हाय दोस्तों, मैं युवराज कटारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्रीराम गैरेज। ये टाटा हिटाची 200 मशीन है। इसका प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है कि स्विंग इसका रुक नहीं रहा है, गोल गोल घूम रहा है, मतलब स्विंग ब्रेक नहीं कर रहा है, ब्रेक लग नहीं रहा है स्विंग का। तो इसी के लिए आज हम इसका स्विंग मोटर खोलने वाले हैं, तो पूरा डिटेल में बताएँगे आपको कि इसमें प्रॉब्लम क्या निकलता है और कैसे इसको रिपेयर करना है। पूरा डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप पूरा स्विंग मोटर के बारे में जान सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए इसके जो पाइप है, इसमें पाइप ज़्यादा लगे हुए नहीं रहते, 6 पाइप रहते हैं सिर्फ। तो 3 बड़े पाइप रहते हैं, 3 छोटे रहते हैं, तो 6 ही पाइप है इसमें। तो 6 पाइप खोल के इसको हम बोल्ट खोल के राउंड के इसको निकाल सकते हैं। तो अभी हम पहले इसके पाइप खोल लेते हैं। देखिए सभी पाइप पहले खोल लेंगे इसके। ये पाइप, छोटा पाइप भी निकल गया है हमारा, थोड़ा फटाफट खोल लेते हैं पाइप। ये देखिए ये छोटे तीनों पाइप हमारे निकल चुके हैं, ये बड़े वाले इधर दो बाकी हैं। तब तक हम ये उसके राउंड के जो बोल्ट है इसको भी खोल लेंगे। इसको 27 की गोटी बैठती है, तो इसको ये राउंड के बोल्ट खोल के इस तरह से लूज कर लेना है। ये खोल लेंगे, ये पाइप भी हमारे लिए, बड़े पाइप भी निकल गए। ये देखिए ये दोनों पाइप भी निकल गए। अभी ये बोल्ट सभी निकाल लेंगे राउंड के, और ये बोल्ट निकाल के अभी इसको उठा के हम निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, इसका बहुत ज़्यादा वेट नहीं रहता है, दो आदमी भी उठा के इसको निकाल लेते हैं। अगर सिर्फ स्विंग मोटर निकालना है तो निकल जाती है। ये भी हम इसको गैरेज पे लेके आ गए हैं, और ऊपर इसको 17 की एलंकी बैठती है। ये चारों बोल्ट पहले खोल लेंगे। ये जो स्विंग मोटर का हेड है, ये स्विंग मोटर का हेड पहले उठा लेंगे। ये देखिए इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से ये हेड हमारा निकल गया है। तो अभी ये स्प्रिंग सब उठा लेंगे पहले। ये स्प्रिंग लगे हुए रहते हैं यहाँ पे, और ये प्लेट है हमारी बैरल की, तो ये बैरल की प्लेट भी निकाल लिया है। अभी ये बैरल हमारा निकालने के लिए इस तरह से बोल्ट को एलिंग के बोल्ट को लगा देना है और इसको उल्टा कर देना है। ये देखिए इसमें ऑयल रहता है, तो नीचे कुछ टब रखना है और इसको उल्टा करना है। ये ज़्यादा टाइट है, तो थोड़ा हमने इसको नीचे लकड़ा रख के ठोक लिया है। ये देखिए बैरल और वाल हमारे निकल चुके हैं। तो अभी इसको हम एक बार डाल के इसको चेक कर लेंगे पहले कि ये सही से काम कर रहा है नहीं। तो ये तो सही से काम कर रहा है। ये देखिए इस तरह से घूमता है अंदर और प्रेशर बनाता है, तो ये तो सही से काम कर रहा है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखते हैं इसमें प्रॉब्लम भी क्या निकलता है, क्योंकि स्विंग इसका रुक नहीं रहा था। ये देखिए ये यहाँ पे भी एक वाइसर रहती है ये ऊपर की कैप में, और यहाँ पे इसके नीचे ये सभी डावल रहते हैं। तो ये सभी डावल निकाल लेना है। इसमें डबल डावल आते हैं, तो अभी इसको, ये देखिए ये प्लेट है, इसमें प्लेट भी इसके अच्छे है। एक तो प्लेट जाने की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, अगर ये प्लेट गई हो तो भी स्विंग रुकता नहीं है, क्योंकि ब्रेक ही नहीं लगते हैं। लेकिन अभी इसके प्लेट भी अच्छे हैं, तो चलो और देखते हैं क्या निकलता है। ये प्लेट तो इसके अच्छे हैं, ये देखिए दोनों ही प्लेट अच्छे हैं, काउंटर भी अच्छे हैं, प्लेट तो इसके अच्छे हैं सभी। ये देखिए सभी प्लेट अच्छे हैं इसके। अभी ये हमारा ब्रेक पिस्टन निकाल लेंगे। ये ब्रेक पिस्टन भी अच्छा है। अभी इसके ओरिंग निकाल के देखते हैं। यहाँ पे इसको दो ओरिंग आते हैं, इसकी ये हाउसिंग के अंदर लगती है ओरिंग। तो ये देखिए ये ओरिंग पूरा इसका टाइट हो चुका है, कड़क हो चुका है। ये देखिए ये ओरिंग पूरा गोल ओरिंग आता है, पूरा ऐसा चौकोन जैसा बन चुका है। और ये देखिए ये निकालते वक्त ही टूट गया है, इतना कड़क हो चुका है ओरिंग। और ये ओरिंग पूरा कड़क होने की वजह से ही ये रुक नहीं रहा था। तो अभी इसको खोल के पूरा चेक कर लेते हैं। एक साइड ये स्लो भी चल रहा था, तो ये यहाँ पे देखिए ये वाल पिस्टन रहता है यहाँ पे, इसको दोनों साइड एक एक पिस्टन रहते हैं। तो इसको भी खोल के साफ कर लेंगे। अभी हमने खोला ये, तो इसको पूरा सर्विस कर लेंगे। और एक साइड स्लो चल रहा था, तो दोनों रिलीफ वाल भी खोल लेंगे। ये देखिए इस तरह से खोल के इसको निकाल सकते हैं। दोनों रिलीफ वाल निकाल लेंगे, इनको भी खोल के अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसके अंदर भी क्या आता है पूरा बताएंगे आपको खोल के। ये देखिए रिलीफ वाल को यहाँ से खोल सकते हैं बीच में से,
ये इधर से खुल जाएगा। ये देखिए ये पीछे का नट है, यहाँ पे एक स्प्रिंग और वाल आएगा ऊपर पहले उसमें, और उसके अंदर का पोपट भी निकालेंगे बाहर। ये देखिए अंदर पोपट वाल है, इसमें अंदर पिस्टन है। ये देखिए ये पोपट वाल है, ये भी ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, अच्छा ही है। तो अभी इसको पूरा साफ़ कर लेते हैं खोल के। ये देखिए हमने पूरा साफ़ कर लिया है, इसको धो लिया है अच्छे से डीजल में। ये देखिए यहाँ पे भी एक वाइसर आता है इसको बड़ी स्प्रिंग के नीचे। अभी ये इसको पोपट वाल पहले डाल लेंगे अंदर, और ये जो जिधर हमारी छोटी स्प्रिंग बैठती है उसके नीचे भी एक वाइसर आती है। ये देखिए ये इस तरह से, ये यहाँ पे भी एक वाइसर लगती है, ये वाइसर के ऊपर लगेगी हमारी ये स्प्रिंग छोटी, और उसमें ये वाल लगेगा, एक ये वाल लगेगा। और अभी उसके ऊपर से कैप लगा देंगे। तो ये एक साइड थोड़ा स्लो चल रहा था, इसीलिए हमने ये रिलीफ वाल भी खोला था। अभी इसको साफ़ करके डालेंगे, फिर चेक करेंगे, अगर सही चलता है तो ठीक है, नहीं तो प्रेशर उसका यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो एलंकी बोल्ट दिया है यहाँ से हम इसका प्रेशर सेट कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम कर सकते हैं। अभी ये पिस्टन भी बिठा लेंगे हम, इसमें भी अंदर पिस्टन आता है, स्प्रिंग आती है, और ये नट लगा लेना है। ये देखिए ये पिस्टन, ये स्प्रिंग और ये नट, इस तरह से ये दोनों साइड से लगता है। इसको लगा के भी टाइट कर लेना है। देखिए इसको भी टाइट कर लिया है अच्छे से, दोनों को टाइट कर लेना है। अभी इसको भी खोल लेंगे, इसमें भी दो वाल लगते हैं, तो दोनों वाल इसके भी खोल के साफ़ कर लेंगे। ये देखिए ये तीन बोल्ट लगते हैं इसको, ये तीनों बोल्ट निकाल लेंगे। ये देखिए ये स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग आते हैं इसमें लगे हुए, ये बड़ी वाली स्प्रिंग हमारी निकल चुकी है, ये छोटी वाली स्प्रिंग निकल चुकी है। अभी इसके वाल निकाल लेंगे दोनों ही। ये देखिए ये छोटा वाला वाल है हमारा, और ये बड़ा वाला वाल है। ये देखिए ये दो वाल इस तरह से आते हैं, इनको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, तो अभी ये जो दो बोल्ट है उधर, ये बड़ा वाला वाल हमारा बैठेगा, तो इसको बिठा लेंगे। ये छोटा वाला वाल है हमारा, जिधर सिंगल बोल्ट है इसका, उधर बैठेगा। ये देखिए इस तरह से इसको बिठा लेना है। उसके बाद इसकी ओरिंग बिठा लेंगे पहले इस पर, यहाँ पर तीन ओरिंग आती है, तीनों ओरिंग बिठा लेंगे। ये देखिए ये तीनों ओरिंग बिठा लेंगे इसकी, और इसकी दोनों स्प्रिंग लगा के इसको फिट कर लेंगे। देखिए इसको, इसको 10 का बोल्ट है, 3 10 के बोल्ट दिए हुए हैं, तीनों बोल्ट लगा के फिर इसको फिट कर लेना है अच्छे से। उसके बाद अभी ये हम ब्रेक पिस्टन की हमारी जो ओरिंग है, ये ओरिंग को बिठा लेंगे। देखिए ये छोटी वाली ओरिंग नीचे जाएंगी हमारी, दोनों ओरिंग की साइज़ थोड़ी अलग आती है, छोटी वाली ओरिंग नीचे बैठेगी और बड़ी वाली ऊपर। ओरिंग को अच्छे से बिठा लेना है, चेक कर लेना है सही से बैठा है या नहीं, ओरिंग सही से बैठना चाहिए। ये बड़ी वाली ओरिंग ऊपर की साइड बैठेगी, तो ये दोनों ओरिंग पहले अच्छे से बिठा लेना है और चेक कर लेना है सही से बैठा है या नहीं, और उस पर ग्रीस लगा सकते हैं इस तरह से हल्का हल्का, ताकि बिठाते वक्त हमारी ओरिंग कटना नहीं चाहिए। तो ग्रीस लगा सकते हैं थोड़ा थोड़ा इस पर, तो हम ग्रीस लगा लेते हैं पहले। देखिए ये ग्रीस हमने लगा लिया है थोड़ा थोड़ा। अभी हम ये डावेल डाल लेंगे पहले, ये बैरल के अंदर इधर डावेल दिए हुए हैं, एक होल में दो डावेल लगते हैं, तो चलो फटाफट हम डाल लेते हैं सभी पहले। और ये वाइसर लगती है इधर डावेल के ऊपर, ये इस तरह से आएंगी, तो हम पहले इसको ऊपर की उसकी जो कैप है उसमें बिठा लेंगे थोड़ा ग्रीस लगा के, ताकि वो बिठाते वक्त गिरे ना उसमें से। तो ये इस तरह से ग्रीस लगा के इसमें चिपका लेना है, और फिर इसको ऊपर रख देना है इस तरह से। और अभी जो हमारे जो वाल है बैरल के, इनको इस तरह से ऑयल में थोड़ा लुब्रिकेशन कर लेना है, और ऑयल लगा के इसको इस तरह से बिठा लेना है। ये वाल हमारे सभी बिठा लेना है अच्छे से, और ये सभी वाल फ्री ही रहना चाहिए। इस तरह से इसको घुमा के चेक कर लेना है
ये वाल सब फ्री रहने चाहिए। अगर ये वाल भी अगर इसमें पकड़ते हैं जाम होता है तो ये बैरल बदलना पड़ता है। तो ये भी सही है, ये पूरा कंप्लीट काम कर रहा है। तो अभी इसको फिट कर लेंगे। ये देखिए, इसको फिट करते वक्त इस तरह से इसको झुका लेना है और फिर इसको फिट करना है, ताकि बैरल में से हमारे वाल निकलना नीचे ये बिठाते वक्त, नहीं तो ये अगर हम सीधा रखेंगे तो बैरल में से निकल जाएगा। तो अभी हमने इसको बिठा लिया है। ये देखिए, बैरल हमारा बैठ चुका है, वाल उसके बैठ चुके हैं। तो अभी हम पहले ये प्लेट लगा लेंगे हमारी। तो नीचे पहले काउंटर लगेंगी ये ब्रेक प्लेट की, उसके बाद लगेंगी ये हमारी फ्रिक्शन प्लेट। इसमें दो ही फ्रिक्शन प्लेट आती है और तीन काउंटर प्लेट लगती है। तो इस तरह से ये बिठाते जाना है। ये देखिए, ये काउंटर और ये फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन लगेगी और इसके ऊपर और एक काउंटर लगेगी। इसमें दो फ्रिक्शन और तीन काउंटर, इतना ही आता है। ये देखिए, ये हमारी तीसरी काउंटर प्लेट। इसको इस तरह से लगा लेना है, रख देना है ऊपर से। और अभी ये हम इसका पिस्टन फिट कर लेंगे ब्रेक का। तो ये ब्रेक पिस्टन को भी थोड़ा हमने ग्रीस लगा लिया है, और ग्रीस लगा के इसको सीधा सीधा रखना है। सीधा पहले इसको मैच कर लेना है, अच्छे से सीधा सीधा मैच करना है, और ऊपर से इस तरह से इसको दबा देना है। ये इस तरह से बैठ जाएगा। उसके बाद इसके सारे स्प्रिंग लगा लेना है, यहाँ से ऊपर से स्प्रिंग आएंगे इसके। चलो फटाफट सभी स्प्रिंग लगा लेते हैं। और ये जो हमारा हेड है स्विंग मोटर का, उसमें यहाँ पे एक वोरिंग आती है, ये वोरिंग लगा लेंगे। और जो ये प्लेट है हमारी, ये प्लेट को भी हम हेड के साथ में चिपका लेंगे, क्योंकि उसमें कट दिया हुआ रहता है, वो कट के हिसाब से उसमें बिठाना रहता है। तो ग्रीस लगा के इसको ये प्लेट को यहाँ पे चिपका लेना है। याद रखना है, ये प्लेट कभी भी उल्टी नहीं फिट होनी चाहिए। तो इसको सीधा रख के फिर ये हम स्विंग मोटर का हेड इस तरह से उठा के इसका सीधा सीधा बोल्ट मैच करके लगा देना है, और बोल्ट को अच्छे से फिर टाइट कर लेना है। इसको 17 की एलंकी बैठती है, तो ये 17 की एलंकी लगा के हमने टाइट कर लिए है इसको। अभी हम इसको मशीन में फिट कर लेंगे। तो ये जो नीचे जॉइंट है, इसको यहाँ पे एनाबोंड लगा लेना है। ये अभी हमने पूरा एनाबोंड लगा लिया है, और एनाबोंड लगा के इसको उठा के इस तरह से सेंटर में गेयर मैच करके इसको बिठा लेना है, और फिर इसको घुमा के होल उसके सभी मैच कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से होल हमारे मैच हो चुके हैं। तो अभी सभी बोल्ट लगा लेंगे। सभी बोल्ट लगा के इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये देखिए, इसको फिर अच्छे से टाइट भी कर लेना है। इसको 27 की गोटी बैठती है, तो 27 की गोटी से हम इसको टाइट कर सकते हैं। बोल्ट सभी अच्छे से टाइट करना है, क्योंकि बोल्ट लूज रहेगा तो लीकेज हो सकता है, इसीलिए बोल्ट अच्छे से टाइट कर लेना है सभी। तो अभी ये बोल्ट सभी हमारे टाइट हो चुके थे, तो अभी हम लगा लेते हैं पाइप। ये सभी पाइप, जो पाइप खोले थे हमने, सभी पाइप लगा लेंगे। चलो फटाफट पाइप लगा लेते हैं। इसके ओरिंग भी बदल लेना है। ओरिंग बदल लेते हैं तो लीकेज होगा नहीं, इसीलिए ओरिंग बदल ही लेना है पाइप के। मशीन हमने चालू करके चेक कर लिया है, मशीन कंप्लीट चल रहा है। दोनों साइड अभी बराबर ताकत भी कर रहा है, और लीवर छोड़ते ही ब्रेक भी लग रहा है। तो अभी मशीन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।